Subscribe and press the bell icon to never miss an update from First Post. ऐसे कैसे ना दौड़ रहा, बाकी टांग तोड़ दो ना। टांग में पोलियो है, हाथ तोड़ और दोनों तोड़ियो। क्या हो गया सर, किसके हाथ पैर तोड़ रहे हो सर सुबह सुबह? अरे यार बस जिस दिन से यू फिटनेस चैलेंज लिया है ना, उस दिन से बस यही चल रही है मार कुटाई, हर दिन मार कुटाई। मैं समझा नहीं सर कुछ। अरे समझदारी के फूफा, अब जैसे कर्नाटक के सीएम ने चैलेंज लिया है ना अपने स्टेट की सारी जनता को फिट करने का, ऐसी हम दोनों ने चैलेंज लिया है गांव के जितने मोटे हैं ना सब फिट करना। जिस दिन से चैलेंज लिया है गांव के एक एक मोटे लौंडा को पकड़ के 14 चक्कर तो मैदान के सुबह लगवा रहे हैं और 14 चक्कर लगवा रहे हैं शाम को, और कोई सा अगर 13वें चक्कर पे भी रुक गया तो उसकी टांग तोड़ के हाथ में दर्द है। वाह सर आपके भी गजब तरीके हैं। तरीके तू साले यूं हमसे आस्की करने आया है, तू इतनी तारीफ काहे करे, ब्याह करेगा साले? जो सवाल पूछना पूछो, निकल चल। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही वीकली न्यूज पर आपके व्यूज लेने आया था। आपने तो सुना ही होगा पिछले हफ्ते दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन एक दूसरे से मिले हैं। कब मिले साले? बाबा उससे मिल लिएगा, छोड़ तू धर्मवीर तू। अरे सर आपके बाबा का दुश्मन नहीं, पॉलिटिकल दुश्मनों की बात कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा यू केजरीवाल और एलजी साहब मिले हैं का? यार मुझे यू एलजी से ध्यान नहीं, केजरीवाल क्या पे आ रहा है, एक कंपनी से है। अगर भाई एसी फ्रिज लेना तो एलजी कोई आखिरी कंपनी तो है ना, हमारी गैल चल दे शोरूम और महंगे से महंगा जो होगा दिला देंगे, कोई एलजी आखिरी कंपनी थोड़ी है। और का? अरे सर वो एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। ज्यादा फुल फॉर्म का देवता हो रहा ना तू, तू बता दे फिर एमसीबीसी की फुल फॉर्म बता दे चल। अरे सर क्या आप भी गंदी बातें कर रहे हो? हम साले गंदी बात कर रहे हैं, एमसीबीसी गंदी बात है साले, गांव के लौंडा है मीरचंद और बीरचंद, और गंदे तो बिल्कुल ना, रोज की रोज नहा रहे हैं दोनों। छोड़िए सर, वैसे मैं जिन दुश्मनों के मिलने की बात कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल दुश्मन है। अरे उसकी कह रहा होगा यू ट्रंप और यू किम जोंग मिले, यू चाइनीज नेता। सर वो चाइनीज नहीं कोरियन है। अरे शकल से तो सब एक ही दिखे और हरकतें भी दोनों की सेम है, जब देखो बम मिसाइल भी बातें करते रहे। सर वैसे आपने सुना होगा वो अपना टॉयलेट अलग से लेके आया था ताकि उनकी कोई पॉलिटिक रिसर्च ना कर पाए। ये साले इनके चोचले रहे हैं, बताइए आगे पिछवाड़े से का सोना निकल रहा है जो उसकी ऐसे रिसर्च हो जाएगी। सर वैसे रिसर्च तो इस बात पे होनी चाहिए कि केजरीवाल जी की डिमांड सुनी क्यों नहीं जाती। आज तुझे ज्ञान की बात बता दे रहा हूँ, पल्ले सु बांध लियो, केजरीवाल की डिमांड और पुलिस की रिमांड इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, समझ रहा है? बट सर वो दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अरे ऐसे तो साले कोई भी कुछ भी मान सके, ले हम मांग रहे हैं आज तो उसको पूर्ण आदमी का दर्जा दो। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं किसी नेता के बारे में? अरे हम नेता आशुतोष की बात ना कर रहे, हम बात कर रहे हैं बाकी 4 फुटिया कालू आशुतोष हमारे गांव का, उसे सब जो है बेचारे को हाफ टिकट बोल के चिढ़ा है। तो भैया हमारी तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उस गरीब को बेचारे को पूर्ण आदमी का दर्जा दो दो। ओ अच्छा, वैसे सर आपने जो राहुल गांधी का शिकंजी वाला बयान सुना? सुना सुना कह रहा है साले, हमने लिखा है वो ऐतिहासिक भाषण हमारी कलम से लिख के गया है। सर थोड़ा सही से लिखा करिए, सब कितना मजाक उड़ा रहे हैं इस वजह से उनका। हाँ मजाक तो उड़ाएंगे ना क्योंकि अपना लौंडा सीधा इतना है, अब मोनू का तो कोई मजाक ना उड़ाता है कि भैया उसने अपने जूस के ठेले पे कैटरीना और सलमान की फोटो लगा रखी है कन्ना चूसते हुए, उसका कौन कोई मजाक उड़ाता है? और यूं ना देख रहा हो कोई कि अगला बंदा छोटी सी उम्र में कार्टून फार्टून देखने की उम्र है अभी तो, उसमें राजनीति करने का ट्राई कर रहा है लेकिन सब आगे पीछे पड़े हैं। अरे छोड़ी सर कोई पीछे नहीं पड़ेगा उनके, आप ये बताइए राफेल नडाल की फ्रेंच ओपन जीत के पीछे भी आप ही हैं क्या? हार जीत तो गई बाकी बाढ़ में, उसके बारे में साले ऐसी न्यूज बता दूंगा दिन भर ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाइए तेरा चैनल हिट हो जाएगा। साले चलाता रहियो वायरल सच के नाम से एक एक घंटे का एपिसोड, तुझे नाम पता है उसका असली का है? क्या है सर? तुझे पता है साले नडाल हिंदुस्तानी है और बाका असली नाम है रामलाल नंदलाल, पता कौन से कुनबा का है? यू नंदलाल दयाराम ना एनडी कुंजी वाला, इसी के कुनबे का है। अब देख लो किस्मत की बात है भैया, एक अपना आराम से अभी बैठा है एसी में कुंजी पुंजी छाप रहा है, अगले को नाम बदल के विदेश में जाकर टेनिस वेनिस खेलने पड़ रहे हैं। अरे सर क्या आप भी कुछ भी बोल रहे हो? हम कुछ भी कह रहे हैं यू साले, ऐसा ना कि व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया तुझे चुपका रहा हूँ, यू फैक्ट बता रहा हूँ मैं, और तुम्हें तो थोड़ी सी बुद्धि है ना तो खुद दिमाग लगा के सोच, फेडरल हिंदुस्तान में अरबाज खान बन के आ सके है तो फिर नडाल क्यों ना आ पाता है? क्योंकि रामलाल नंदलाल को नंदलाल दयाराम से जान का खतरा है। अरे छोड़िए सर, अब तो मुझे भी खतरा लग रहा है, मैं भी निकलता हूँ। हाँ निकल ले बहुत तेजी से, सबसे पहले चलना सूरज के पास, उसने अलग जो आतंक मचा रखा वो आपकी खबर लेनी है चल के तुरंत। सर सूरज मतलब ये आसमान वाला सन? अबे आसमान वाला सन ना साले, हमारे मामा का सन सूरज, माने इतना आतंक मचा रखा है रोज स्कूल में कोई टीचर को पेल दे। और उसे यार समझा के आएंगे कि ऐसे जो है स्कूल के अंदर टीचर पेलना सही बात ना है, मास्टर है मारा तो कम से कम स्कूल के बाहर तो मारा। चलो ये तो निकल ले, तो ये पिटना लेगा इसे माइक यहां से पिटना। सो थैंक यू सो मच गाइस, एक और वीडियो देखने के लिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दबा के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट्स में जाओ और भर दो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।